जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 9। यदि क्यू 01 बिंदुओं पी 5-3 और आर एक्स 6 से सम दूरस्थ है तो एक्स के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां पी क्यू और पी आर भी ज्ञात कीजिए। इफ Q01 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी 5-3 एंड आर एक्स 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेज क्यू आर एंड पी आर। देखो, ये जो क्यू है ना बेटा, ये पी और आर दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया तो क्यू यहाँ भी तो हो सकता था, है कि नहीं, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ से भी इसकी डिस्टेंसेज इक्वल आती। और आपने देखा उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द वैल्यूज के मान, के का नहीं लिखा, एक्स का मान नहीं लिखा, एक्स के मान यानी एक से ज्यादा आने वाले, है ना। तो एक चीज उन्होंने दे रखी है कि क्यूपी, क्यू की पी से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्यू आर दे रखी है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमको पी क्यू और पी आर भी निकाल कर दिखाना, तब जाकर आपका आंसर पूरा होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए, हमको क्या गिवेन है, क्यूपी इज इक्वल टू क्यू आर। जब क्यूपी और क्यू आर इक्वल है बेटा तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे, है ना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हमने स्क्वायर कर दिया, तो जो डिस्टेंस के फॉर्मूले में रूट का चिन्ह होता है उसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट का चिन्ह हट जाता है ना। तो ये जो रूट में होता है उसका रूट हट जाएगा, बिना रूट के फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला तो याद हो गई, क्या होता है, x1 - x2 होल स्क्वायर + y1 - y2 होल स्क्वायर। रूट होता है तो यहाँ पर रूट हम नहीं लगाएंगे। तो ये x1 y1 है, समझो, ये x2 y2 है, ये x3 y3, ऐसे समझ लो। तो हो जाएगा बेटा 0 - 5 होल स्क्वायर, फिर होगा +1 + 3 होल स्क्वायर, क्योंकि -3 - -3 विल बिकम प्लस, है ना। अब क्यू आर पर आ जाओ तो 0 - x 0 - x होल स्क्वायर + 1 - 6 होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है बेटा। तो -5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। 3 + 1 = 4 होता है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। यहाँ पर -x का स्क्वायर तो हो गया +x² है ना, और 1 - 6 कितना होता है, -5। -5 का स्क्वायर भी किया तो 25। चाहो तो 25 को यहीं कैंसिल आउट कर दो। अब एक्स स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 16, यानी कि एक्स की हमको दो वैल्यूज मिल जाएंगी और वो होंगी +4 and -4। तो आर पॉइंट जो है, आर पॉइंट होगा या तो 4, 6 और या फिर -4, 6, ठीक है। एक्स की दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो या तो 4, 6 यहाँ हो सकता है आर, या फिर हो सकता है यहाँ हो, है ना। क्यू आर और क्यू पी ऐसे इक्वल हो, क्यू आर और क्यू पी, आर हो सकता है यहाँ हो या हो सकता है यहाँ हो, या प्लस प्लस में हो या माइनस में, ठीक है ना। तो इनके डायरेक्शन चेंज होकर क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर। देखो मैं आपको दोबारा समझाऊँ, ये क्यू है, ये हमने लिया है पी, और आर या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ भी तो हो सकता है। देखो यहाँ लिया था तो ये था क्या था, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी। अब हो सकता है आर यहाँ हो तो भी तो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी, ऐसे भी तो हो सकता है ना। और ये ऐसे है ना, देखो स्ट्रेट लाइन है, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी, ये वाई एक्सिस समझ लो। तो हो सकता है 4, 6 यहाँ पर हो और हो सकता है -4, 6 इधर हो, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, इधर 4 और इधर -4, ये 6, ये तो 6 है ही, 6 ऊपर यहाँ भी, 6 यहाँ भी, एक्स एक्सिस यहाँ पर है, ये पॉइंट है आपका 4, 6 और ये पॉइंट है आपका -4, 6, ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक दोनों तरफ हो सकता है। इस तरह से क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर तो सेटल हो जाएगा। अब हमसे कह रहे हैं पी क्यू की लंबाई बताओ, तो पी क्यू की लंबाई तो है ही, कितनी है 6, देखो कैसे आएगी, वो तो निकली हुई है ना यहाँ पे, देखो क्यू पी स्क्वायर कितना आया था, 25 + 16। चलो दोबारा करते हैं, पी क्यू लेते हैं, ये आएगा आपका 0 - 5 होल स्क्वायर + 1 + 3 होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आपका 25 + 16 यानी कि 41, √41, ये आ गया पी क्यू। अब आ जाइए पी आर पर, पी आर कैसे आएगा, देखो पी क्या है, पी है 5 - 3,
और आर क्या है, आर है या तो 4 6 या फिर -4 6, ठीक है। तो हम लेते हैं पहले 4 6 से, तो ये हो जाएगा 5 -4 होल स्क्वायर, फिर ये होगा -3 -6 होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आएगा 1 square + -9 square। अब ये कितना होगा, ये होगा 1 + 81 यानी कि √82 अगर हमने इसको 4 6 लिया, यानी कि इस डायरेक्शन में लिया। अब अगर हम इस डायरेक्शन में ले लें तब क्या होगा, पी आर फिर से लेना पड़ेगा। अब ये P है 5 और R है, ये है सॉरी X1 है 5 और X2 है -4, तो हो जाएगा 5 + 4 होल स्क्वायर, ठीक है। और वो तो -3 -6 रहेगा ही, तो ये भी हो गया 81, 9 का स्क्वायर 81 और ये भी हो गया 81, यानी ये हो गया 162, यानी कि हम इसको 9√2 भी कह सकते हैं। तो ये √82 आया यहाँ से और यहाँ से आया 9√2। तो दो लेंथ देखो, आर अगर इधर है और आर अगर इधर है तो QR और QR तो इधर से नाप लो चाहे उधर से नाप लो सेम, लेकिन PR को फर्क पड़ जाएगा ना, PR इधर से ले रहे हो और इधर से ले रहे हो, दोनों में फर्क आ जाएगा। एक तरफ से आ रही है √82 और एक तरफ से आ रही है √162, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, थोड़ा सा मैंने बताने में हौच-पौच कर दिया, एक बार और बता देती हूँ। समझो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या बन गया, 4 6, है ना। इधर से लोगे तो ये क्या बन जाएगा, -4 6। अब ये जो क्यू पॉइंट है, क्यू पी की एक डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर, आर यहाँ हो तो भी हो सकता है क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर, और आर यहाँ हो तो भी हो सकता है क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर, इसीलिए एक्स की दो वैल्यूज आई हैं, क्लियर। चलिए अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 10। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्त हो। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3 6 एंड -3 4। देखो बच्चों, इसमें आपको एक्स वाई दोनों ही नदारद है, एक एक्स गायब होता या वाई गायब होता तो हम बता लेते इजीली, है ना। अब दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल है बेटा तो दो इक्वेशंस होनी चाहिए। दो इक्वेशंस के लिए उन्होंने कुछ दिया नहीं, इन्होंने तो बस ये बोल दिया कि सम दूरस्थ है, यानी एक कंडीशन दी है। तो दो वेरिएबल हो और एक कंडीशन हो तो आंसर तो आने से रहा, है ना। आंसर तो बच्चों नहीं आएगा, यहाँ पर कहीं पर होगा, ये ज़्यादा लंबा तो नहीं जाएगा, इतना ही होगा, है ना। चलिए तो हम यहाँ पर इनको दे दो क्यू और आर नाम दे दो इनका, है ना। तो ये हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, गिविन है ये, है ना, गिविन है बेटा, ये तो गिविन है। अब आप क्या करो, यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर लगा दो, तो पी क्यू हो जाएगा एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर और वाई माइनस फोर होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 9, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 12y + 36, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 6x + 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y + 16, ओके। तो x square, y square तो हटा दीजिए, -6x, ओके। यहाँ से +6x को इधर ले आओ, फिर से -6x, अब ये क्या है -12y, इसको इधर ले आओ तो +8y, अब 36 और 9 से हो गया बेटा 45, है ना, और 16 और 9 से हो गया 25, तो इसको भी लेफ्ट में ले आइए। अब आपका आंसर हुआ -12x - 4y + 20 = 0। पहले तो इसको देखा जाए ध्यान से, तो -4 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन चलो एक एक स्टेप करते हैं, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, ओके। ये हो गया 12x, ये हो गया 4y और ये हो गया -20। पहले माइनस से कर दिया, अब मैंने देखा ये 4 से फिर डिवाइड हो रही है, 4 से फिर डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4 3 12, है ना, 4 1 4 और 4 5 20, ओके, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमारा
आंसर आ गया। इसमें रिलेशन पूछा बेटा, वैल्यू वैल्यू आने का सवाल ही नहीं। उन्होंने पूछा रिलेशन बताइए, संबंध बताइए, हमने बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारी एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। 7.2 सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।